क्वेश्चन नंबर जो फोर है, इसमें जो फैक्टराइज करने हैं हमें, ये बहुपद दे रखा है, पॉलीनोमियल दे रखा है, इनके जो है फैक्टराइज करने हैं, गुणनखंड हमें जो करने हैं। तो गुणनखंड किससे करेंगे हम, जो है सेकंड डिग्री द्विघात बहुपद है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद विभाजन के जरिए हम लोग इसका जो है गुणनखंड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा किस तरह से हमें करना है, ठीक है। ये रखा है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। तो मुझे करना क्या है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, इसकी जो मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा दोनों की, जो कोफिशेंट है, ओनली कोफिशेंट की है ना, एक्स की नहीं, कोफिशेंट की करनी पड़ेगी। कैसे, 12 गुणा में 1, तो कितना मिला मुझे, 12 मिल गया, ठीक है। जब 12 मिल गया मुझे, अब मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म कौन सा है, ये है, ठीक है। तो किसके जरिए कर रहे हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मध्य पद विभाजन, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे 7 के जो है क्या है, विभाजन करनी है, मुझे स्प्लिट करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो मुझे 12 मिला है इसके में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के 2 से जाएगा 6, 3 से जाएगा 2 ही चला जाएगा, तो कितना हो गया, 2 3 6, तो बचा कितना, 3 1, है ना। तो 1 भी हम लोग काउंट कर लेते हैं इसमें, इसमें जो है 1 लिख लेंगे। कौन कौन से नंबर मिले, मुझे 2 मिला, 2 3 1 मिल गया, ये 4 नंबर जो है मुझे इसका जो है अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। लेकिन अभाज्य 1 जो है हम इसमें ले लेते हैं, 1 जो है अभाज्य नहीं है, है ना। तो 1 जो है कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इन, मेरे पास ये संख्या है, इन संख्याओं से मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मुझे कितना मिले, जो मुझे कितना है, -7, ठीक है, घटा के या जोड़ कर, सब्ट्रैक्ट उनका डिफरेंस हो या फिर उनका एडिशन हो, कितना मिले मुझे, -7 मिले, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 की गुणा कर दूंगा, 4 और 3, 4 और 3 मुझे ऐसे नंबर मिले। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस यहाँ लगाता हूँ, माइनस यहाँ करता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा दोनों का, -7 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों की मैं गुणा करता हूँ, है ना, जो प्रोडक्ट मिले कितना मिले मुझे, 12 मिले, तो प्रोडक्ट कितना मिला इसका, 12 मिल गया, ठीक है। तो मुझे जो है ये ऐसे फैक्टर मिले इसके, इसका जो है हमारे पास 2 नंबर मिले, -7 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जिनका जो है क्या है, इनका एडिशन कितना आना चाहिए, -7, इनका जो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो कितना हुआ यहाँ पर, 12x², तो -7 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -4, एक्स ऑलरेडी चली रहा है, एक्स में लिख दूंगा, -3x प्लस का 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें देखिए, मैं कॉमन कुछ लूंगा इन दो टर्म में, है ना। यहाँ पर कॉमन कितना आया, 4x कॉमन आ रहा है, बचा कितना, 3x। देखिए 4x की, अगर 3x की मैं गुणा करूँगा कितना मिल जाएगा मुझे, 12x² वही आना चाहिए, ठीक है। तो जो है इस तरह से मुझे करना है। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये बचा माइनस का, 4x भाग ले लिया, कितना आ गया, -1। यहाँ देखिए, यह माइनस का 1 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये जो है टर्म लेकर आनी है। तो 3x किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का था ये, माइनस प्लस 1 जो है प्लस का था, ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब पूरे में से क्या कॉमन है, 3x - 1 पूरे में से कॉमन है, 3x - 1 पूरे में से कॉमन है, बचा कितना, 4x - 1। तो इस तरह से जो है इसके ये गुणनखंड हो गए। तो इसका जो आंसर है कितना है, इसके गुणनखंड 2 गुणनखंड आ गए इसके। देखिए सेकंड डिग्री है, द्विघात बहुपद है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके कितने हैं, गुणनखंड 2 गुणनखंड है। तो इस तरह से मुझे जो है करना, सेकंड वाला देखिए, या तो इस तरह से कर सकते हैं, ये एक और तरीका हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या एडिशन है, तो यहाँ पर जो एडिशन है, तो 7 के मैं ऐसे टुकड़े करूँगा, तुमने कितना मिलना चाहिए, पहले तो इसकी जो मैं गुणा करूँगा, 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो 7 के मैं ऐसे टुकड़े करूँगा जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर गुणा करते हैं हम, तो कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, और ऐड करते हैं तो कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके बाद जो है एडिशन है, अगर सब्ट्रैक्ट होता तो 7 के ऐसे टुकड़े करते, 2 संख्या को घटाने के बाद कितना मिलता, 7 मिलता। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, और गुणा करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अब देखिए, एक 1 है मेरे पास, एक 6 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिल गया, ठीक है। और इन दोनों की गुणा करता हूँ मैं तो कितना मिला मुझे, 6 मिल गया। तो दोनों कंडीशनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं 7 की जगह क्या उठा के रख दूंगा, 7 की जगह ये उठा के मैं रख दूंगा, कितना, 1 + 6, तो हो जाएगा 2x² प्लस का 1 प्लस का 6x प्लस का 3। ब्रैकेट खोलूंगा, 2x²
प्लस का एक्स के साथ आ जाएगा, वन की मल्टीप्लाई करी कितना एक्स बचा, प्लस का सिक्स एक्स, प्लस का कितना आ गया थ्री आ गया। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या है क्या करा, जोड़े बना लिए, ठीक है। जोड़े बनाने के बाद इसमें से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, बचा कितना है टू एक्स, प्लस का वन बच गया, प्लस का यहाँ से क्या कॉमन है थ्री कॉमन है, जब थ्री मैंने कॉमन लिया सिक्स एक्स में से तो बचा कितना टू एक्स प्लस का वन, ये टर्म जो है सेम आनी चाहिए, है ना। तो जब सेम आ गई तो पूरे में से मैंने क्या कॉमन लिया टू एक्स प्लस वन, मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, जब पूरे में से कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पर एक्स बचा प्लस का थ्री, ये जो है दो फैक्टर इसके आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। अब देखते हैं हम थर्ड, इसका थर्ड पार्ट और करते हैं फिर आपको जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड रखा है मैं, थर्ड रखा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का सिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस आ गया है, जब यहाँ पर माइनस आ गया तो पहले तो मैं इन दोनों की मैं क्या करूँगा गुणा करूँगा, तो कितना आया सिक्स गुणा सिक्स कितना मिल गया छत्तीस मिल गया। अब देखिए अब पाँच के जो है मैं ऐसे क्या है पाँच को जो है ऐसे मैं डिवाइड करूँगा, ऐसे विभाजन करूँगा, क्या उनका जो है गुणा करने पर कितना आना चाहिए छत्तीस आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए पाँच। अब देखिए कौन कौन सी संख्या है ऐसी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, कितना आ गया तो कितना हो जाएगा सात पंजे पैंतीस नहीं हो रहा, छः छः छत्तीस, नौ चौक छत्तीस, है ना। तो कितना हो जाएगा नाइन और फोर, नौ चौक छत्तीस, अगर मैं इसका मैं डिफरेंस निकालता हूँ नौ में से चार के बचे कितने बचेगा पाँच बचेगा, ये आ गया हमारे पास। अब नौ की या चार की गुणा करूँगा मैं कितना मिलेगा छत्तीस मिलेगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कितना आ जाएगा पाँच की जगह मैं क्या उठा कर रख दूँगा नौ माइनस चार, तो कितना जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का है ना नाइन माइनस का फोर एक्स माइनस का सिक्स, ठीक है। तो आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट खोलूंगा कितना आ जाएगा नाइन एक्स माइनस का फोर एक्स माइनस का सिक्स। अब दो दो के मैं जो है जोड़े बना लूंगा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है थ्री एक्स कॉमन आ रहा है, जब मैंने सिक्स एक्स स्क्वायर में से थ्री एक्स कॉमन लिया तो कितना बचेगा टू एक्स, दोनों गुणा करके देख लो इतना ही आएगा, चेक कर लो ये प्लस का, जब थ्री एक्स मैंने कॉमन ले लिया नाइन एक्स में से तो कितना बचेगा थ्री, अगर थ्री में इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा नाइन एक्स मिलना चाहिए माइनस। अब कॉमन क्या लूँ मैं, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो इसके लिए माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, दोनों में से जो है कॉमन वो आ जाएगा माइनस, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो माइनस का टू दो कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो कितना बचेगा टू एक्स, ये आ गया सेम प्लस का, ये माइनस का तो माइनस भाग ले लिया प्लस का, कितना बच गया थ्री बच गया, तो हो जाएगा अब पूरे में से क्या कॉमन है टू एक्स प्लस का थ्री कॉमन है, बचा कितना थ्री एक्स माइनस का टू, ये जो है इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं हम लोग, तो फोर्थ जो पार्ट है इसका वो देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का फोर, ठीक है। तो ये देखिए वही करना है मुझे, इस दोनों की क्या करूँगा मैं दोनों की गुणा करूँगा कितना मिला थ्री गुणा में फोर कितना आएगा चार या बारह, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या है जो कुछ नहीं है तो क्या है वन है यहाँ पर है, तो माइनस वन है तो मुझे कितना लेकर आना यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे घटा का निशान है तो मुझे माइनस वन लेकर आना, तो दो ऐसी संख्या लेनी है मुझे जिनका डिफरेंस जो है माइनस वन आना चाहिए और जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए बारह आना चाहिए। तो कैसी है उस संख्या है तीन और चार ऐसी संख्या है तीन चौक बारह, अगर मैं इसमें से क्या करूँगा घटा करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस वन मिल जाएगा, अगर तीन और चार की मैं गुणा करूँगा कितना मिल जाएगा बारह मिल जाएगा, दोनों कंडीशनों को क्या है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो दोनों को ध्यान रखना है हमें, यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेना है, ठीक है। तो माइनस वन की जगह मैं क्या रख दूंगा थ्री एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस ये हो जाएगा कितना माइनस वन की जगह क्या रख दिया मैंने थ्री माइनस का फोर, ठीक है। ये जो इसको प्लस लूंगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का फोर,
इसको मैंने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इसको मैं खोलूँगा 3x² माइनस का 3x, ठीक है, प्लस कराएगा अभी 3x माइनस का 4x माइनस का 4, दोबारा से वही मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा इसका, माइनस का 1x, ठीक है। तो इसको मैं और सिंपल करने के लिए तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ x² प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1x माइनस का 4, है ना। तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो ना, तो यहाँ पर जो है ये माइनस मैंने लिया है इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो गया होगा। तो इस तरह से मुझे जो है ये करना, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो कितना आ गया, अब ब्रैकेट खोलूँगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा कितना, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ 3 जोड़ बना लूँगा तो कितना आ गया, 3x कॉमन आ गया, बचा कितना, x बच गया इसमें से, प्लस का 1 बच गया, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया मैंने, ये माइनस है तो प्लस का बच गया x, ये माइनस है तो प्लस का क्या बन गया, 1 बच गया। पूरे में से क्या x प्लस 1 में कॉमन ले लूँगा, x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 3x माइनस का 4। तो इस तरह से मुझे जो है ये करना था, तो इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके जो है हमें गुणनखंड करने हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल है, त्रिघात बहुपद है। अभी जो हमने बात करी थी लास्ट क्वेश्चन में जो क्या था, द्विघात बहुपद था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थे जिसके 2 गुणनखंड निकल के आते थे, ये जो है त्रिघात बहुपद है इसके जो है कितने 3 गुणनखंड निकल के आएंगे, 3 फैक्टर निकल के आएंगे। अब 3 फैक्टर हम निकाले कैसे, उन क्वेश्चन में तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो है करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जो है सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हम जो है एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू जिस पर जो है ये पॉलीनोमियल जो है ये जीरो हो जा रहा है, अगर जिस किसी पर किसी वैल्यू पर जीरो आ जाता है वो उसकी क्या कहलाएगी, जीरोज होगी। जो जीरोज होगी वहाँ से जो एक्स की हमारे पास जो टर्म आएगी निकल कर, वो क्या मिलेगा, इसका जो है गुणनखंड हमें मिल जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब बात आती है एक्स की वैल्यू हम कितनी लें, क्या लें, तो एक्स की वैल्यू हम जो क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू हम माइनस 1 लेंगे, ट्राई करेंगे पहले माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 2 फिर प्लस 2 एंड सो ऑन। बट जो हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हार्डली इसी 2 में जो है वैल्यू वो दे देगा, ठीक है, जीरो दे देगा। अब देखिए तो हम स्टार्ट करेंगे, इसको मैंने मान लिया पी एक्स, हमारे पास क्या है पी एक्स इज इक्वल टू इस जो पॉलीनोमियल को मैंने पी एक्स मान लिया, एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का एक्स प्लस का 2 आ गया। तो मैं करूँगा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 जब मैं पुट करूँगा एक्स इज क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 की क्यूब माइनस का 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का कितना आ गया, 2 आ गया। तो और सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1 ही रहेगा, क्यूब है ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस 2 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये जो 0 क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, जो सेल्स है वो क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो ये रिमाइंडर जो 0 आया किस पर आया, एक्स की कौन सी वैल्यू पर 0 आया, माइनस 1 पर आया। अब जो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, ये तो अभी 0 निकल के आया, इसका फैक्टर बनाऊंगा किस तरह से, इधर आएगा प्लस 1, है ना, तो इधर आएगा 0। अब जो एक्स प्लस 1 है ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस 1 इज अ वन ऑफ फैक्टर किसका, पी एक्स का, है ना। तो एक्स प्लस 1 क्या है, एक्स प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब एक गुणनखंड तो आ गया हमारे पास, बाकी 2 कैसे निकालें, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैं क्या करूँगा, जो गुणनखंड आया x प्लस 1 उससे जो है मैं इसमें भाग दूंगा, जो कोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा वो भी इसका एक क्या है, गुणनखंड होगा, क्योंकि इसमें जो है इसका फैक्टर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 से मैं जो है भाग दूंगा किसमें, जो हमारा क्या है पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का एक्स प्लस का 2, इसमें जो है मुझे भाग देना है, चलिए करते हैं साथ में। अब देखिए मुझे एक्स क्यूब जो है यहाँ पर लेकर आना है, इसको रिमूव करने के लिए, है ना, तो एक्स क्यूब लेकर आना है, इसमें जो है मैं किसकी गुणा करूँ जो मुझे एक्स क्यूब मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर की जब मैं इसमें गुणा करूँगा एक्स में तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। अब बचा क्या, 1 में करूँगा तो कितना मिलेगा, प्लस का मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर की प्लस 1 में करिए कितना मिला, प्लस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो है सबट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2x माइनस का 1x कितना हो जाएगा, माइनस का
थ्री एक्स स्क्वायर, बाकी ऐसे ही हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे डाल लेंगे, एक्स माइनस का एक्स प्लस का टू आ गया, ये एक स्टेप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुझे जो कितना लेके आना, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो एक्स में मैं किसके गुणा करूँ जो मुझे माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो माइनस का थ्री एक्स की मैं गुणा कर दूंगा, तो कितना मिलेगा, इसमें गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, वन में करूंगा तो कितना मिलेगा, माइनस का थ्री एक्स, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस का वन एक्स प्लस का थ्री एक्स, तो कितना बचा, प्लस का टू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी प्लस का टू है, ठीक है, ये उतार लिया। अब देखिए टू एक्स करने के लिए एक्स को मैं किसकी वो करूँगा, मैं दो से भाग दूंगा, इसमें गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, टू एक्स मिल जाएगा, जब वन में करूँगा तो कितना मिलेगा, टू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, ये जो भागफल आया है ना, तो ये तो रूल आपको पता ही है कौन सा वाला, जो हमारे पास था पी एक्स को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते थे, ये जो था हमारे पास क्या था, क्यू एक्स जी एक्स प्लस का आर एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते थे, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आई जी एक्स हमारे पास क्या है, जो एक्स प्लस वन है एक, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, तो जो पी एक्स है हमारे पास, ये मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये एग्जाम में इतने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारे पास भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, ये भी क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ किसका होगा, पी एक्स का, ये भी एक फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा, ये हमारे पास क्या मिला, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल गया। तो इसके जो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके यहाँ से दो फैक्टर और निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या करूँगा मैं, इसको देखिए, तो यहाँ पर जो है वन है या टू है, तो वन गुणा टू कितना हो जाएगा, वन मिलेगा। अब माइनस का थ्री एक्स, माइनस का थ्री जो है हमारे पास कोफिशियंट है, इसको मुझे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जो है एडिशन क्या है, माइनस का थ्री मिल जाए। तो मेरे पास क्या होगा, एक तो माइनस का वन होगा, माइनस का टू होगा, ठीक है। इन दोनों की मैं गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, टू मिल जाएगा, जो हाँ सॉरी ये टू आ रहा था, दोनों की गुणा करूँगा, माइनस वन गुणा में माइनस का टू, कितना मिलेगा, प्लस का टू मिल जाएगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस थ्री की जगह मैं क्या उठा कर रख दूंगा, ये उठा कर रख दूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का वन, ठीक है, एक्स चल रहा है ऑलरेडी, माइनस का टू एक्स प्लस का टू आ गया, ठीक है। मैंने जो इसके लिए क्या उठा कर रख दिया, थ्री एक्स को मैंने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ से, देखिए इसके हम जोड़े बना लेंगे, जोड़े बनाने के बाद x यहाँ से कॉमन है, तो कितना बचा, x माइनस का वन, ठीक है, माइनस का टू कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x, ये प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, यहाँ से x माइनस वन कॉमन लिया पूरे में से, ठीक है, यहाँ गया x माइनस टू बच गया, तो दो जो फैक्टर आ गए ये आ गए, तो टोटल कितने फैक्टर आ गए, इसके जो पी एक्स के जो गुणनखंड आए कितना आए, एक एक्स प्लस वन, दूसरा क्या है एक्स माइनस वन, तीसरा क्या है एक्स माइनस टू, ठीक है। ये जो है तीन इसके गुणनखंड आ गए जो हमें निकालना था, है ना, तो पी एक्स के गुणनखंड ये आ गए। तो इस तरह से जो है हमें सारे क्वेश्चन ये करने, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, हमें जो है बहुपद दे रखा है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस का फाइव, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको पी एक्स में मान लेता हूँ, तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस का फाइव, सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, x का मान लूंगा कुछ, तो x की वैल्यू जब सबसे पहले पुट करूँगा माइनस वन, ठीक है, पुट x इक्वल टू माइनस वन, जब x की वैल्यू माइनस वन पुट करी तो माइनस का वन x की जगह, तो हो जाएगा माइनस का वन की क्यूब माइनस का थ्री माइनस का वन का स्क्वायर माइनस का नाइन माइनस का वन माइनस का फाइव, ठीक है। तो ये तो अब उसके कितना आएगा, माइनस का वन, ठीक है, ये हुआ प्लस का ही रहा, तो माइनस का थ्री, ये हो गया प्लस का नाइन, ये हो गया माइनस का फाइव। अब देखिए ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस का फोर, अब माइनस का फाइव प्लस का नाइन, ये कितना हो गया, माइनस का नाइन प्लस का नाइन, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स ही कौन सी वैल्यू पर आया था, माइनस वन पर, तो एक्स प्लस वन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन इज वन ऑफ फैक्टर, वन ऑफ फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का, है ना, तो एक्स प्लस वन पी एक्स का एक
गुणनखंड है, ठीक है। अब एक गुणनखंड आ गया मेरे पास, ठीक है। तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें जो है इससे भाग दे दूंगा, है ना। तो कितना आ जाएगा x प्लस वन से मेरे किस में भाग देनी है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है। तो x क्यूब करना है तो मुझे क्या करूँगा, x स्क्वायर से मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। सबट्रैक्ट करा तो कैंसिल हो गया, माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x ऑलरेडी है ऊपर, माइनस का 5 में ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4x लेकर आना, तो माइनस का 4x जो है मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। वन में करने के बाद उसके बाद जो है सबट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस के 9 और प्लस के 4, तो कितना बचा, माइनस का 5x, माइनस का 5 ऑलरेडी ऊपर से मैंने उतार लिया इसको। उसके बाद क्या करूँगा, माइनस का 5 करना पड़ूंगा, माइनस का 5 मुझे जो है इससे भाग देनी पड़ेगी। तो माइनस का 5 एक्स में गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा, माइनस का 5x, वन में करूँगा तो माइनस का 5, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये दोनों प्योर कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 आ गया। जब ये 0 आ गया जो हमारे पास भागफल आएगा, कोसेंट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 क्या इज फैक्टर, ये भी इसका क्या है, गुणनखंड है, किसका, पी एक्स का, है ना। एक गुणनखंड ये आया, एक गुणनखंड ये आया, तो इसके भी हम और इसके भी जो है फर्दर इसके गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम लोग इसके कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, तो कितना आना चाहिए, देखिए इसकी मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना आना चाहिए मुझे, वन में, वन की गुणा करूँगा फाइव में तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ सब्ट्रैक्ट है घटा करने से, तो घटा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं करता हूँ कितना, माइनस का 5, ठीक है, और प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। और जो है मैं करूँगा 5 इंटू 1 की करूँगा कितना मिलेगा मुझे, 5 मिल जाएगा। दोनों का जो है अगर हम इसमें करते हैं माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस ले लेंगे तो कोई बात नहीं, साइन चेंज करनी है, डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस का मिल जाएगा, दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर गई। तो माइनस 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 5 प्लस का 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5, एक्स जो था ये मैंने लिख दिया, प्लस का 1 में करूँगा तो एक्स माइनस का 5, तो यह आ जाएगा कितना, कॉमन ले लेंगे हम लोग, x कॉमन है पूरे में सर, x माइनस 5, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 5, x माइनस का 5 पूरे में से कॉमन है, x प्लस का 1 बच गया। ये आप लोग जो है बहुत करें लास्ट क्वेश्चन में, तो इसी तरह से करना है। तो इसके तीन गुणनखंड आए, px के कौन कौन से गुणनखंड आ गए, एक तो ऑलरेडी आ गया था x प्लस 1, ठीक है, एक आया हमारे पास x प्लस 1, दूसरा भी आ गया, ये भी इसके गुणनखंड है x माइनस 5, तीन जो है इसके ये गुणनखंड आगे निकल। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका फोर्थ पार्ट में कर रहा हूँ, जो थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद कर लेना, है ना, उसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो है y की टर्म में बहुपद दे रखा, y की टर्म में जो है पॉलीनोमियल दे रखा, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, पी वाई मान लूंगा। तो पी वाई कितना हो जाएगा, 2y की क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, फिर वही करना है हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से, है ना। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें जो है इसको करना है। तो सबसे पहले मैं क्या वैल्यू लूंगा, क्या बताया मैंने, माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो x इजिकल टू क्या लूंगा, माइनस 1 लूंगा, है ना। तो पुट x इजिकल टू माइनस 1 किसमें, पी वाई में, तो पी x नहीं लूंगा यहाँ पे, क्या y है हमारे पास, है ना। तो y इजिकल टू माइनस 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो पी माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, 2 इंटू माइनस 1 की क्यूब प्लस का माइनस 1 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1 आ गया। तो ये बचा तुम्हारे पास, कितना बचा हमारे पास, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 ही रहेगा, ये माइनस 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 प्लस का हो जाएगा 2, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारे पास, शेष जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। कौन सी वैल्यू पर शेष 0 आया, वाई की माइनस 1 पर जो है शेष 0 आया। तो इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस 1, तो वाई प्लस 1 क्या है, क्या है, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का।
है ना वाई प्लस वन पी वाई का सॉरी एक्स याद आ रहा, तो पी वाई का जो है क्या है ये फैक्टर है, वाई प्लस वन पी वाई का एक क्या है गुणनखंड है, ठीक है एक गुणनखंड निकल के आ गया। तो इसमें जो मैं इसमें भाग करूँगा, भाग लगाने के बाद जो आएगा क्वेश्चन वो भी इसका क्या है गुणनखंड होगा, तो मैं क्या करूँगा वाई प्लस का वन में किससे भाग किसमें भाग दूंगा टू वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई माइनस का वन, ठीक है तो टू वाई की क्यूब लेकर आना तो मुझे क्या टू वाई स्क्वायर से जो है इसमें क्या है भाग करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा टू वाई की क्यूब ये हो जाएगा प्लस का टू वाई स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया वाई स्क्वायर और माइनस का टू वाई स्क्वायर, तो माइनस का क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा, ऊपर क्या चल रहा है माइनस का टू वाई माइनस का वन, ठीक है तो माइनस का वाई स्क्वायर करना है तो मुझे माइनस का वाई लेना पड़ेगा, तो माइनस का वाई की वाई में करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे माइनस का वाई स्क्वायर, इसमें करूँगा तो क्या मिलेगा माइनस का वाई, है ना तो सब करने के बाद साइन चल जाएंगे प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया माइनस का टू वाई प्लस का वाई तो माइनस का वाई बचेगा, ऊपर चल रहा है माइनस का वन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस का वन से मैं लूँगा तो माइनस का वाई ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया आगे क्या रिमाइंडर जीरो आ गया, जब रिमाइंडर जीरो आया जो हमारा भागफल आया वो भी क्या है टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का वन, कौन सी टर्म में आ गया द्विघात बहुपद में आ गया, ये भी क्या है इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर क्या है ये गुणनखंड है, ठीक है गुणनखंड है किसका पी एक्स पी वाई का, ठीक है पी वाई का क्या है ये गुणनखंड है, ठीक है अब बाकी दो गुणनखंड हम लोग इससे निकाल लेंगे है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो मैंने क्या करा टू इंटू माइनस का वन कितना मिलना चाहिए माइनस का टू, यहाँ पे क्या है माइनस का वन, तो माइनस का वन कैसा आना चाहिए यहाँ पे तो माइनस है तो मैं दो ऐसी संख्या लूँगा जिनका जो है डिफरेंस कितना आना चाहिए माइनस वन और जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए माइनस का टू आना चाहिए, तो मैं क्या ले लूँगा तो मैं ले लूँगा माइनस का टू और प्लस का वन, तो कितना आ गया माइनस का वन और जो है माइनस का टू कब आएगा जब माइनस का टू की और वन में गुणा करूँगा कितना मिल जाएगा माइनस का वन, तो दोनों कंडीशन अब क्या है सेटिस्फाई ये कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसकी जगह उठा के क्या रख दूँगा ये मेरे पास आ जाएगा माइनस वन की जगह क्या रख दूँगा मैं टू वाई स्क्वायर क्या रख दूँगा माइनस का टू वाई और माइनस का वाई माइनस वन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है तो यह आ जाएगा यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ गया टू वाई बचा कितना वाई, ठीक है माइनस का कितना बचा वन, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ जाएगा ये प्लस का सॉरी हाँ ठीक है ये प्लस का वन, यहाँ से जो प्लस वन कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा वाई माइनस वन, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वाई माइनस वन, ठीक है तो ये बचा टू वाई प्लस का वन, तो दो फैक्टर ही आ गए हमारे पास, तो टोटल कितने फैक्टर आ गए तीन आ गए, पी एक्स के कौन कौन से पी वाई के कौन कौन से फैक्टर आ गए एक तो आएगा वाई प्लस वन, ठीक है दूसरा आ गया वाई माइनस वन, तीसरा आ गया टू वाई प्लस का वन, ठीक है ये हमारे पास जो है तीनों इसके फैक्टर आ गए, तो एक्सरसाइज जो है 2.4 ये जो है कम्प्लीट हो गई है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, वीडियो बताएं कैसी लगे है ना, तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।